महांगा डबल मर्डर मामलें बड़ राय नौजन को होगला आजीवन जेल। मामलें पूर्वतन मंत्री प्रताप जेना ना भी रही। बीजेपी नेता कुलमणि और दिव्य सिंह को होता मर्डर। बहुचर्चित महांगा डबल मर्डर घटन गुरुत्वपूर्ण राय। सालेपुर अतिरिक्त जिला जज ए मामलार शुणाणी कर नौजन अभियुक्त को आजीवन कारादंड दंडित करपटे अन्य जन अभियुक्त को खलास करिसंति कोर्ट। दंडित होता अभियुक्त मैंने भिकारी स्वाई, क्षितिश आचार्य, मलय बारिक, कैलाश खटुआ, पंचानंद सेठी, ललित बराल, चैतन्य सेठी, प्रमोद विश्वाल और उमेश खटुआ। खलास होता व्यक्ति हेले अरविंद खटुआ। सेपटे दीर्घ दिन पर मृतकों पर न्याय मिलिथिबारु न्यायपालिका को धन्यवाद जनाइछंति परिवार लोके। महांगा डबल मर्डर केस रे 10 जन आसामी थिले माने ट्रायल फेस करथिले। ता देरे जणों को अरविंद खटुआ को मान्यवर अदालत एडीजे सालेपुर से दंडमुक्त प्रमाण अभाव दंडमुक्त करिसंती। आउ 9 जन को 302 आ 120 बी रे समस्त को लाइफ सजा कर जड़े होती भिकारी चरण स्वाई, ललित मोहन बराल, क्षितिश आचार्य, कैलाश खटुआ, प्रमोद विश्वाल, मलय बारिक, चैतन्य सेठी, पंचानंद सेठी, उमेश खटुआ। आम आईन व्यवस्था पर आम बहुत लड़े भी करूँ। आईन व्यवस्था पर आम से मानने आस्था थी जो आम दिन ना दिन आम पाइबू आउ आज भी सीटा पूर्ण हो जन जेहेतु आजीवन कारदंड दि जाए कि आम आहरी भी आशा रखीचु जार यार मास्टर माइंड जी प्रताप जेना अच्छा जी आईन मंत्री थे तत्कालीन मंत्री जी थे तो सी हूँ ये सबूर मास्टर माइंड आम एक्सपेक्ट करूँ दंड दि जाऊ। जनवरी 2021 घटी बहुचर्चित डबल मर्डर। बीजेपी नेता कुलमणि बराल और तांको सहयोगी दिव्य सिंह बराल को हत्या कर तबे घटना रे बीजेडी नेता तथा सेतबलर मंत्री प्रताप जेना संप्रुक्ति अभियोग आसीथिला। अभियोग परे प्रताप जेना 13 नंबर मुदाला भाबे चार्जशीट रे उल्लेख करिथिला पुलिस। परवर्ती पर्याय रे एतलाकारी प्रार्थना और साक्ष्य प्रमाण आधार रे पुणी थरे तांको विरोध रे कोर्ट कॉग्निजेंस नेथिले। तबे हाकु प्रताप जेना हाईकोर्ट रे चैलेंज करबा परे कोर्ट रे मामला विचार दिन रही। सालेपुर मनोज आचार्य रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।